दोस्तों, जय श्री राम। होमपति ब्लॉक में आपका स्वागत। दोस्तों, बनाएंगे मसूर की दाल है, ये काली वाली दाल है मसूर की, तो इसको बनाएंगे। मैंने यहाँ रख दी पानी गरम गरम करने के लिए। अब धो लेते। दोस्तों, मैंने एक बार दाल धो ली, अब ये दूसरी बार धो रही हूँ। दाल घेर देते पानी के अंदर। दोस्तों, डाल देते धनिया, धनिया पाउडर। और इसमें डाल देते हल्दी पाउडर। और डाल देते लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और एक चम्मच डाले धनिया पाउडर। अब डाल देते नमक। और इसको घोल देते पानी के अंदर सही से। अभी ये पकेगी। दोस्तों, दाल बनने में भी टाइम है, क्योंकि देर से ही बनेगी। कुकर में तो बना नहीं रही दोस्तों, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो अभी टाइम लगेगा। दोस्तों, दाल बन गई हमारी। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर इसके ऊपर लगाएंगे तड़का। तो मैं इसमें डालूंगी और फिर लगाएंगे तड़का। दोस्तों, ये कढ़ाई गर्म थी तो मैं इसलिए कपड़ा लेने चली गई थी। दोस्तों, मैंने कढ़ाई धो दी, धो के गैस पे रख दी। कढ़ाई हो गई गर्म, अब इसमें डालेंगे तेल, थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल, और इसमें डालेंगे फिर मक्खन। दोस्तों, तेल गरम हो गया, अब इसमें डाल देते मक्खन एक चम्मच। अब डाल देते लहसुन। अब डाल देते प्याज। दोस्तों, डाल देते हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची ली थी, बीच में सीरा लगा दी मैंने। दोस्तों, थोड़ी सी और डाल रही हूँ मैं, आधी चम्मच। दोस्तों, अब डाल देते टमाटर, टमाटर ली थी मैंने दो। टमाटर को सही से पकाएंगे। दोस्तों, हमारा लहसुन प्याज और टमाटर भून चुका, अब डाल देते इसके अंदर दाल। और डाल देते हैं हरा धनिया। तो कर देते गैस बंद और डाल लेते छोटी सी कढ़ाई में सब्जी। दोस्तों, हमारी काली मसूर की दाल बनके तैयार हो गई। और कैसी लगी दोस्तों आपको? अच्छी लगी है तो लाइक करना दोस्तों, और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।